हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी गांव में रानी नाम की एक लड़की अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहा करती थी। उसकी फैमिली में उसके पापा शंकर, मम्मी कुसुम और छोटी बहन रोशनी थी। वैसे तो रानी थी 18-19 साल की, पर उसका दिमाग बिल्कुल एक 5 साल के बच्चे जैसा था और उसे खजूर खाने का बहुत शौक था। वो गांव में जिस किसी के पास भी खजूर देखती तो या तो उससे मांग कर खा लेती या फिर छीन कर भाग जाया करती और खूब मजे से खाती। ऐसे ही एक दिन रानी के पापा घर में कुछ खजूर लेकर आते हैं और रानी की माँ कुसुम को देते हुए कहते हैं, ये लो रानी की माँ खजूर, रानी से छिपा कर रख देना वरना सारे के सारे एक बार में ही खा जाएगी वो, और पता भी नहीं चलेगा कि सारे खजूर आखिर गए तो गए कहाँ। ठीक है जी, आप सही वक्त पर घर आए हैं और अभी रानी बाहर है। अगर घर में होती तो उसे पता चल जाता आप खजूर लाए हैं और वो सारे खजूर खा जाती। मैं इन्हें छुपा कर रख देती हूँ रानी से। ये कहकर कुसुम सारे खजूर अलमारी में छुपा देती है और ऐसे ही छुपाती है कि रानी को पता ना चले। और शाम को रानी बाजार से जब घर वापस आती है तो रानी की नाक इतनी तेज थी कि वो घर में घुसते ही खजूर की खुशबू को सूंघ लेती है और वो खुश हो जाती है, जिसके बाद वो जोर जोर से अपनी माँ कुसुम को आवाज लगाती है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ माँ। क्या हुआ, क्यों इतनी तेज तेज चिल्ला रही है? मेरे कान के पर्दे फाड़ेगी क्या चिल्ला चिल्ला कर? ओ मेरी प्यारी माँ, जल्दी से बता दो वो कहाँ है। क्या कहा है, क्या बता दूँ मैं तुझे? देखो अब ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है। आज घर में वो आए हैं। कौन आया है घर में, किसकी बात कर रही है तू? अरे माँ, वही मेरे दिल का चैन, मेरी रातों की नींद, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना रह नहीं सकती। क्या तुझे शर्म नहीं आती, ये सब बातें अपनी माँ के सामने कर रही है? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी है क्या, जिसके बारे में तूने अभी तक मुझे बताया नहीं? बता कौन है वो, जल्दी बता। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो, मैं बॉयफ्रेंड की नहीं खजूर की बात कर रही हूँ। वही तो है जिसे खाए बिना दिन और रात में रह नहीं सकती। हे भगवान, देखो तो इस लड़की को, भला खजूर के पीछे कौन इतना पागल होता है? और कोई क्यों होगा, मैं हूँ ना पागल होने के लिए खजूर के पीछे। ना जाने तेरे होने पर मैंने ऐसा क्या खा लिया जो तू पागल है खजूर के लिए। पक्का खजूर ही खाएंगे माँ। चलो अब बातें मत घुमाओ और जल्दी से बताओ खजूर कहाँ है, मुझे बड़ा मन कर रहा है खजूर खाने का। किसने कहा तुझे कि इस घर में खजूर है? माँ, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे खुशबू से ही मालूम हो जाता है कि कहाँ है खजूर। अरे इसे कैसे पता चल गया कि घर में खजूर है, अब क्या करूँ मैं? अगर इसे मालूम हो गया खजूर कहाँ रखे हैं तो ये सारे चट कर जाएगी। नहीं बताओगी ना आप, रहने दो मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। अरे अरे कहाँ जा रही है, जब मैं कह रही हूँ कि घर में खजूर नहीं है तो तू मेरी बात मान क्यों नहीं रही? आप रुको, मैं खुद ढूंढ निकालूंगी। इतना कहकर रानी पूरे घर में खजूर ढूंढने लगती है। वो कभी रसोई में रखे बर्तनों में ढूंढती तो कभी कमरे में जाकर अलमारियों में। आखिर में काफी ढूंढने पर उसे अपनी माँ पापा के कमरे की अलमारी में से खजूर मिलते हैं और वो उन खजूरों को अपनी लालच भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, कितना इंतजार करवाया है तुमने मुझसे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हें खाने के लिए मेरे मुंह से पानी टपक रहा था। तुम कितने मीठे और रसीले हो, अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से मेरे पेट में आ जाओ। तभी वहाँ पर कुसुम दौड़ती हुई आती है और जैसे ही रानी खजूर मुंह में डाल ही रही थी कि कुसुम उसके हाथ का निवाला छीन लेती है और ये देखकर रानी कहती है, माँ ये क्या कर रही हैं आप, मुझे मेरे खजूर दे दो जल्दी से, मुझे भूख लगी है बहुत, इन खजूरों को देखकर मेरे मुंह से बहुत पानी आ रहा है। नहीं, ये तेरे पापा अपने लिए लाए हैं, मैं तुझे इनमें से एक भी नहीं दूंगी। माँ ऐसा मत कहो, आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूँ। और तेरे पापा मेरे पति हैं। बस यही था तुम्हारा प्यार माँ, यही थी तुम्हारी ममता, एक खजूर के पीछे तुम अपनी फूल सी बच्ची से झगड़ा कर रही हो। रानी के ये झूठे ड्रामे देखकर कुसुम उससे कहती है, बस बस सब जानती हूँ मैं तेरे ये फिल्मी ड्रामे, समझी? इनमें से तुझे सिर्फ 2 खजूर दूंगी, उनमें से एक भी ज्यादा नहीं, मंजूर है? चलो ठीक है, 2 ही सही, पर 2 तो। अब कुसुम रानी को 2 खजूर निकाल कर दे देती है और बाकी के खजूर फिर से छुपा कर रख देती है। 2 खजूर मिलने के बाद भी रानी का मन नहीं भरता और वो फिर से खजूर मांगने अपनी माँ के पास जाती है तो कुसुम उसे खजूर देने से मना कर देती है।
अब रात हो जाने के बाद सब सोते हैं, पर रानी को अब भी खजूर खाने का मन करता है, इसीलिए उसे नींद ही नहीं आती। और अब वो ये सोचती है कि आखिर कैसे अपनी माँ के कमरे से खजूर निकाले जाएं। रानी और उसकी बहन रोशनी दोनों एक ही कमरे में सोती थी, इसलिए रानी को जागता हुआ देखकर रोशनी कहती है, अरे दीदी आप अभी तक क्यों जाग रही हो, सोना नहीं है क्या आपको? कुछ नहीं, बस नींद आ रही है मुझे, तू सो जा। ठीक है दीदी। अब रोशनी के सोने के बाद रानी दबे पांव अपनी माँ कुसुम के कमरे में जाती है, जहाँ उसके माँ पापा दोनों सो रहे थे। और रानी धीरे से अपनी माँ की अलमारी से सारे खजूर निकाल कर अपने कमरे में ले आती है और सारे के सारे खजूर खा जाती है। और किसी को रानी पर शक ना हो, इसीलिए वो घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देती है, जिससे कि सबको लगे कि घर में चोर आया था। और कुछ ना मिलने पर वो खजूर चुरा कर ले गया। ये सब करके रानी आराम से बेफिक्र होकर कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह के समय जब कुसुम उठती है, तो वो देखती है कि घर का सब सामान फैला है, और वो जोर जोर से कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया, घर में सब सामान यहाँ वहाँ फैला है, घर में चोरी हो गई क्या? अजी सुनते हो रानी के पापा, जरा बाहर आओ सब। कुसुम की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं और देखते हैं कि घर का सारा सामान फैला है। ये देखकर रानी के पापा यानी शंकर कहते हैं, अरे ये सब क्या है, ये किसने किया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, ये सब किसने कर दिया? अजी देख लो कहीं घर में कोई सामान चोरी तो नहीं हो गया, पैसे वैसे चोरी तो नहीं हुए ना? ये सब देखकर कुसुम घर के सब सामान को चेक करने लगती है कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। कुसुम सब सामान अच्छे से देखती है, लेकिन हैरान हो जाती है क्योंकि घर का सारा सामान सही सलामत था। जिसके बाद कुसुम कहती है, अरे ये तो बड़ी हैरानी की बात है, घर में चोरी भी नहीं हुई और सामान ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे किसी ने चोरी की हो। माँ शायद चोरों को भी ये मालूम हो गया होगा कि हम बहुत गरीब और कंजूस हैं, उन्हें ले जाने के लायक कुछ मिला ही नहीं होगा, इसीलिए बेचारे खाली हाथ ही चले गए। तू चुप कर, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है, मैं जा रही हूँ, आपने फालतू में ही सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। अगर चोर पैसे या सामान नहीं लेकर गया तो आखिर क्या लेकर गया? कुसुम ये कहकर अपनी अलमारी में खजूर ढूंढने लगती है, और जब वो देखती है तो अलमारी में खजूर नहीं थे। और ये देखकर कुसुम को रानी पर शक होता है, कहीं ये सब रानी ने तो नहीं किया। कुसुम को रानी पर शक तो होता है, लेकिन उस समय वो रानी से कुछ नहीं पूछती और चुपचाप घर का सारा सामान समेटने लगती है। कुछ देर बाद रानी के पेट में बहुत दर्द होता है, जिसके बाद रानी को कुसुम डॉक्टर के पास लेकर जाती है, और डॉक्टर रानी को पेट दर्द की दवाई दे देती है। और उसके बाद भी रानी का पेट दर्द ठीक नहीं होता, जिसके बाद डॉक्टर रानी का चेकअप करने को कहती है। और रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर रानी और उसकी माँ को बताती है, रानी की मम्मी लगता है आपकी बेटी ने कुछ ज्यादा ही खजूर खाए हैं, जिसकी वजह से इसे पेट दर्द, गैस, पेट फूलने और डायरिया की समस्या हो गई है। ये तभी होता है जब कोई व्यक्ति लिमिट से ज्यादा खजूर का सेवन कर लेता है। मुझे पता था कि वो सारे खजूर इसी ने खाए हैं, तभी आज इसकी ये हालत हो गई है। हाँ माँ आपने सही कहा था, वो सारे खजूर मैंने ही खाए थे, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं मालूम था इतने खजूर खाने से ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं। आज के बाद मैं कभी खजूर नहीं खाऊंगी माँ। नहीं नहीं बेटा, अब तो रोज खजूर खाना, मैं खुद खिलाऊंगी तुझे अपने हाथों से। नहीं नहीं माँ, आज से कान पकड़ लिए मैंने, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी खजूर। रानी की बात सुनकर डॉक्टर और कुसुम हंसने लगते हैं, और रानी भी उस दिन के बाद से खजूर नहीं खाती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।